मैं इलेक्शन लड़ने जो जा रहा हूँ जो है राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसकी डेवलपमेंट के लिए। रामबन के राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कुमार शर्मा को अपना कीमती वोट दें और जिताएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशहाली लाएं। वोट एंड सपोर्ट रमेश कुमार शर्मा। गांधरबल पुलिस ने स्थानीय नौजवान बच्चों के लिए एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया और उनको समझाया कि मिलिटेंसी ज्वाइन करने के परिणाम न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी कितने घातक साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ का 70वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। पीएम पैकेज के तहत 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी करने की कर रहे मांग। आज किश्तवाड़ के कई स्थानीय निवासियों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा। अपनी पार्टी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि अपनी पार्टी हमेशा उनके हक के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी और लोगों के हितों के लिए हमेशा लड़ेगी। दुनिया के जाने वाले बिलियनरी और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की कंपनी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $250 मिलियन डोनेट किए। एकजुट जम्मू द्वारा आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज पंचतीर्थी में चल रहे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बन रही पार्किंग का दौरा किया और चल रहे कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल क्लाइमेट समिट पर लोगों को 12 दिसंबर यानी कि कल संबोधित करेंगे। जेके टीचर्स एसोसिएशन ने तेर सिंह बलवाल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सभी टीचर्स और पेरेंट्स को सूचना देते हुए कहा कि 5th क्लास पास हुए स्टूडेंट्स के GNP फॉर्म ZE ऑफिस और खिदमत सेंटर में मिलेंगे। जहां पहले फॉर्म्स की सबमिशन डेट 15 नवंबर थी, अब उसे बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दिया गया है। भारत में कोविड-19 के मरीजों में गिरावट देखने को मिली है। अब तक 146 दिनों में मरीजों की संख्या 3,63,000 पहुंच गई है। मैं इलेक्शन लड़ने जो जा रहा हूं जो है राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसकी डेवलपमेंट के लिए। रामबन के राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कुमार शर्मा को अपना कीमती वोट दें और जिताएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशहाली लाएं। वोट एंड सपोर्ट रमेश कुमार शर्मा।